बीजेपी एमपी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। मुरैना पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, 29 सीटें 68% मत के साथ जीतना ही पार्टी का लक्ष्य है। गांव चलो अभियान के तहत 1,25,000 कार्यकर्ता प्रदेश के 53,136 गांव 1,700 वार्ड में पहुंच रहे हैं और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों के घर घर जाकर संवाद करेंगे। बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत 25 फरवरी से 4 मार्च तक हितग्राहियों के घर में संपर्क होगा। जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व तय करेगा। जीत ही पैमाना है कि कौन कार्यकर्ता चुनाव जीतेगा और इसकी रणनीतिक तैयारी केंद्रीय नेतृत्व बखूबी योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के साथ करता आया है और करेगा। स्वसहायता समूह की हमारी बहनें जिन्हें लखपति दीदी बनाने से लेकर के ड्रोन दीदी बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी का है, तो एक महिलाओं की जो ताकत है उसके साथ मिलना और दीवार लेखन गांव के अंदर जहां पर कार्यकर्ता जा रहे हैं अपने हाथ से दीवार लेखन के अभियान में जुटना, ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम। मैंने भी कल गांव में दीवार लेखन किया, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कमल का फूल। तो हर बूथ पर कार्यकर्ता इस बूथ सशक्तिकरण के अभियान के साथ आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से 10% वोट बढ़ाने के संकल्प को लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी गांव के अंदर उतरी है और आगामी समय में इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए घर घर में जाकर के हितग्राही संपर्क का अभियान भी 25 तारीख से लेकर के 4 फरवरी तक चलेगा। ऐतिहासिक काम जो इस देश के अंदर हुआ है उन सारे मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाना, उनके साथ संवाद करना। मध्य प्रदेश के अंदर 53,136 गांव और शहर के 1,700 वार्ड, इन सभी में एक प्रवासी कार्यकर्ता और एक कार्यकर्ता इनके साथ व्यवस्था की दृष्टि से, तो लगभग 1,25,000 कार्यकर्ता गांव के अंदर इस अभियान के निमित्त पहुंचेगा। अब यहाँ परिवारवाद नहीं चलेगा और आगामी समय में राधोगढ़ के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित होगी। केवल 4,000 वोट सुधारे तो उसी के निमित्त इस बार हम 29 लोकसभा भी जीतेंगे, छिंदवाड़ा भी जीतेंगे। हमारा टारगेट है 68% वोट लेकर के जाना, 10% वोट की वृद्धि। इस काम पर हम सब लोग लगे हैं, तो इसलिए मुरैना के क्षेत्र में भी, ग्वालियर चंबल डिवीजन में भी तैयारी व्यापक तौर पर शुरू हुई है और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं की ताकत के साथ और संगठन तंत्र की मजबूती के साथ इस बार देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए रिकॉर्ड विजय होगी। आज तक के इतिहास की भारत की सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।